अक्षय कुमार की 2024 की मूवी छोटे मियां बड़े मियां को लेकर अपडेट आ रही है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। इस मूवी में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमार ये साथ में देखने को मिलने वाले हैं और मजा आ जाएगा इन तीनों को एक एनर्जेटिक मूवी में देख के, क्योंकि तीनों बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक एक्टर्स हैं। इस मूवी के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने शाहिद कपूर की ब्लडी डैडी और सलमान खान की टाइगर जिंदा है डायरेक्ट की थी, तो लगता है ये भी कहीं सही जगह जा सकती है। ऑल्दो ब्लडी डैडी और टाइगर जिंदा में अपने फ्लॉस थे, बट स्टिल एंजॉयबल मूवीज थी। इस मूवी की जो तीनों सॉन्ग्स बोलने वाले हैं वो इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूट होंगे, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसमें विशाल मिश्रा जिन्होंने कबीर सिंह के गाने गाए थे वही गाएंगे, तो गानों से भी हम होप लगा सकते हैं। अब मेन अपडेट जो आ रही है, इसकी रिलीज डेट डिले हो चुकी है, मतलब रिलीज डेट जो इसकी फरवरी 2024 में, मतलब जस्ट 2 महीने बाद हमें देखने को मिल सकती थी, अब आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये मिलेगी अब 2024 ईद के दिन रिलीज होने वाली है, मतलब अप्रैल 2024 में, तो 4 महीने का वेट और कर सकते हो आप इसके लिए। एक्शन पैक टीजर इसका अनाउंस होने वाला है जिसके अभी रिव्यूवर्स आ रहे हैं, ऑल्दो कुछ डेट कंफर्म नहीं है, पर रिपब्लिक डे के दिन आपको इसका टीजर मिल सकता है जो कि है 26 जनवरी, तो कुछ ही दिन बाकी हैं बस। अब तो अब अक्षय कुमार की मूवीज की बात कर ही रहे हैं तो उनकी एक और बड़ी मूवी पे बात कर लेते हैं और उनकी सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग फ्रेंचाइज मतलब हाउसफुल पे। तो आपको पता ही है हाउसफुल के बहुत सारे पार्ट बन चुके हैं और इसके बाद इसका 5वां पार्ट आने वाला है, तो जो हाउसफुल 5 आने वाली है उसके लिए भी अक्षय कुमार के फैंस के लिए थोड़ी सैड न्यूज, क्योंकि वो भी डिले हो चुकी है। वो पहले आने वाली थी 2024 में ही दिवाली को, अब दिवाली से उसको डिले कर दिया गया है, उसको पहुंचा दिया है अगले समर में 2025 में, मतलब 2025 जून में आपको हाउसफुल 5 देखने को मिलेगी। पूरा 1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। इसकी वजह से कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए थोड़ी खुशी के मौके, क्योंकि उनकी जो भूल भुलैया 3 है वो एक अकेली मूवी रह जाती है जो दिवाली पर रिलीज होगी, तो अगर उसको कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिलता है, क्योंकि अभी भी रिलीज डेट शिफ्ट हो सकती हैं बहुत सारी, तो वहाँ पे उसका हिट होना तय है। भूल भुलैया 3 की बात कर ही रहे हैं तो उसकी एक्ट्रेस को भी फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है, और व्यूवर्स की माने तो सारा अली खान आ सकती हैं और जो तब्बू हैं उनका रिटर्न नहीं होने वाला है। तो लास्ट परफॉर्मेंस कार्तिक आर्यन की ठीक थी, इंजॉयबल थी, तो देखते हैं भूल भुलैया 3 में वो क्या नया कर सकते हैं। बस थोड़ा स्टोरी पे और थोड़ा पहली वाली की तरह बनाने की कोशिश करें तो मजा आ जाएगी। तो यही था आज के वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।